गाइस गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टाइम हमने सेवन प्रॉपर्टीज जान ली थी। नाउ वी आर गोइंग टू यूज इट, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज। ओके, तो एक बार मैं आपको वापस सब प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ। तो प्रॉपर्टी वन क्या कहती है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज्ड इफ द रोज आर टर्न इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर टर्न इनटू रोज, है ना। ट्रांसपोज कर दिया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ चेंज नहीं होती। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज एंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस इट्स साइन। ये भी हमने देखा एग्जांपल से। फिर थर्ड वन थी कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, मतलब सारे एलिमेंट सेम हो, तो डिटरमिनेंट जीरो होता है। फोर्थ वाली थी कि कोई कॉमन मल्टीपल हो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटरमिनेंट इज के टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो के से मैंने इस रो को मल्टीप्लाई किया तो फाइनल वैल्यू को भी के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, या उसका उल्टा भी कर सकते। ओके, सो दिस वाज प्रॉपर्टी थ्री। प्रॉपर्टी फोर का है, अरे प्रॉपर्टी फोर, अच्छा दैट वाज प्रॉपर्टी फोर। प्रॉपर्टी थ्री थी कि आइडेंटिकल है तो या दिस वाज प्रॉपर्टी फोर, कॉमन मल्टीपल। और उसका प्रोपोर्शन वाला भी हमने देखा, एलिमेंट्स अगर प्रोपोर्शन हो फिर भी डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। देन वी हैड प्रॉपर्टी नंबर फाइव। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फाइव में क्या था कि इफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू नंबर्स, तो फिर डिटरमिनेंट भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। सम ऑफ द टू डिटरमिनेंट्स हैविंग बोथ द नंबर्स एज इट्स एलिमेंट्स। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक्चुअली। हम लोग कोई भी ऑपरेशन किसी भी रो पे कर सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एन ऑपरेशन। No, with any constant k, okay, and the determinant won't change, okay? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको यूज कैसे करना है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे देख के इसका क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। देन वी आर ट्राइंगल प्रॉपर्टी। अपर ट्राइंगल हो या लोअर ट्राइंगल हो, उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट्स डायगनल एलिमेंट्स। ओके, सो नाउ लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन है कि आपको डिटरमिनेंट दिया है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6x, 9x, 12x. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपैंडिंग। एनी रो और कॉलम, ठीक है। मतलब हम क्या नहीं कर सकते जो हम लोग पहले नहीं किए, को फैक्टर्स फाइंड आउट करते थे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे, है ना।
वो वाला चीज नहीं कर सकते, एक्सपांड नहीं कर सकते किसी रो या कॉलम को। विदाउट डूइंग दैट वी हैव टू फाइंड आउट इट्स डिटरमिनेंट। तो फिर कैसे करें? डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए तो एक ही मेथड बता दिया हमें। सो नाउ व्हाट टू डू, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट। ओके, तो प्रॉपर्टीज से हमें पता लग सकता है कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। ओके, तो सबसे इजी वाली प्रॉपर्टी है, इस पर क्वेश्चन आता है, दैट इज द थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके, तो देखो वो कैसे यूज करेंगे हम लोग। अभी इसमें देखो, द रो वन इज 2, 3, 4। ओके, और तीसरा रो, रो थ्री, दिस इज रो वन, दिस इज रो थ्री। ओके, सो रो थ्री इज व्हाट, 6x, 9x, 12x। आपको ये प्रोपोर्शनल दिख रहे है ना? रो थ्री इज इक्वल टू व्हाट, 3 times x इंटू रो वन, राइट? यस, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या, इनका डिटरमिनेंट क्या है? जीरो है, राइट? 2, 3, 4, इसमें क्या था, 5, 6, 8, then we have 6x, 9x, and then 12x. so इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, it will be zero, simply zero, right? हमने फोर्थ प्रॉपर्टी में देखा था कि since it is proportional, उसका जो डिटरमिनेंट है दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन। अभी इसमें देखो, ध्यान से देखना, ये भी वी हैव टू इवैल्यूएट, और थोड़ा इजी बनाते हैं इसको। विल डू इट एज प्रूफ दैट 101, दिस इज 202, 303, then we have 505, 606, 707, 123. We have to prove that it is equal to 0. Okay? ये prove करना है LHS equal to RHS. तो of course कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग? LHS से, right? We have to find out its determinant. तो उसका थोड़े रिस्पेक्ट के लिए हम लोग एक बार वापस लिखते हैं ये सारे टर्म्स। 03, 505, एग्जाम में लिखा करो ये। ओके, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग। यहाँ पे जरूरत नहीं मुझे लिखने की, लेकिन मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको आदत रहे एग्जाम बोर्ड्स में आपके। ओके, तो अभी इसमें देखो, मुझे रो वन में और रो थ्री में कुछ तो रिलेशन दिख रहा है ना, कुछ तो नाता है उनमें, कि रो वन इज समथिंग लाइक, क्या कह सकते हो, कुछ तो मुझे दिख रहा है सिमिलरिटी। देखो 101 है या 1 है, या 202 है या 2 है, या 303 है या 3 है। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज, आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी नाइस थिंग। हम लोग रो वन को है ना ऑपरेशन करेंगे कुछ, तो क्या ऑपरेशन करेंगे हम लोग, रो वन माइनस रो थ्री करेंगे। क्यों मैंने ऐसा किया? सी, इवन इफ आई डू दिस ऑपरेशन, द डिटरमिनेंट विल रिमेन सेम। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, अब देख लो। मैंने यहाँ कहा था, अगर आप कोई भी रो पे यूजिंग अनदर रो ऑपरेशन करते हो, ओके, मतलब रो वन पे मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ यूजिंग रो थ्री, ओके, विद अ कांस्टेंट, देन द डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। अभी यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है, यह जो हमने किया, यह कांस्टेंट क्या है? इफ यू टेक अ क्लोज लुक एट दिस, आई कैन राइट दिस एज आर वन प्लस के टाइम्स आर थ्री,
तो यहाँ पे k क्या है, वेर k इज -1, राइट, एक्सेप्टेड, तब ये ऑपरेशन कर सकता हूँ मैं और डिटरमिनेंट सेम रहेगा, राइट। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, आप डायरेक्टली ऑपरेशन कर सकते हो ये, और आपको वैसे तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑपरेशन कर सकते हो, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी 6 यूज की है। प्रॉपर्टी 6 ही है वो, एक सेकंड चेक करते हैं, या इट इज प्रॉपर्टी 6। ओके, तो इससे क्या होगा, देखो इससे जो है 101 माइनस क्या होगा, ये वाला एलिमेंट है ना, रो 1 माइनस रो 3 कर रहे हैं, तो दिस माइनस दिस का आंसर इधर आएगा, ये जो वैल्यू है 202 माइनस 2 का वैल्यू इधर आएगा, राइट। 101 माइनस 1, 202 माइनस 2 होगा ये, 303 माइनस 3 यहाँ पे होगा, और बाकी के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, 505, 606, 707, 123, राइट। तो इससे क्या हुआ, देखो से फायदा ये हुआ कि यहाँ पे मिला हमें 100, यहाँ पे मिला 200, यहाँ पे मिला 300, एंड रेस्ट वी हैव 505, 606, 707, हियर वी हैव 1, 2, 3। अभी दिख रहा है आपको कि अभी जो रो 1 है और अभी जो रो 3 है, दे आर प्रोपोर्शनल, राइट। रो 1 इज 100 टाइम्स रो 3, है ना, तो ये क्या है, दिस इज प्रोपोर्शनल, राइट। सो यूजिंग प्रॉपर्टी 4, राइट, यूजिंग प्रॉपर्टी 4, व्हाट वी गेट, दैट दिस डिटर्मिनेंट, ओरिजिनल लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, 101, 202, 303, 505, 606, 707, 123 इज इक्वल टू 0। ओके, फिर कैसे लिखा मैंने ये, एक्चुअली अगर आपको क्वेश्चन है कि अरे सर फिर हमको तो हर प्रॉपर्टी का नंबर याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है, यू डोंट हैव टू यू नो राइट एक्चुअली दिस। अगर आपने सिर्फ लिख दिया यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, इससे भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टीज के नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, बस समझ लो प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ओके, सो वंस यू राइट दिस दैट यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, द होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ओके, तो ऐसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, नाउ हियर वी यूज टू प्रॉपर्टीज, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, प्रॉपर्टी नंबर 6, और यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4। ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था एक्चुअली ये, थोड़ा सा हम लोग ये सबसे इजी था जो हमने ऊपर किया, राइट। ये वाला सबसे इजी था, उससे थोड़ा डिफिकल्ट हमने ये वाला किया, इसमें हमने दो प्रॉपर्टीज यूज किए। ओके, नाउ आई गेस वी शुड मूव टू आवर मोर डिफिकल्ट वन। ओके, तो क्या करेंगे, मैं अभी क्वेश्चन लिखता हूँ, यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट विथ मी। ओके, आप खुद से भी कोशिश करो, ट्राई करो करने की क्वेश्चन। 312, 313, 314, 315, 316, 317, then we have 318,
319 and 320. You have to prove this equal to 0. ठीक है, तो इसको 0 प्रूव करना है. कहां से शुरू करेंगे? LHS से. अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ LHS, लेकिन आप लिखो, नहीं तो चलो लिखते, आदत बन जाएगी. 312 313 314. अभी देखो आपके कंप्यूटर एग्जाम में तो आपको प्रूव दैट नहीं होगा, तो उधर ये सब LHS RHS लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ओके, सो दिस इज फॉर बोर्ड एग्जाम. थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो बोर्ड एग्जाम में ये लिखने को, ताकि इम्प्रेशन अच्छा बने एग्जामिनर को. ओके, 317 एंड 318 319 320. अभी इसको हमें जीरो प्रूफ करना है, तो क्या कर सकते हैं? देखो, प्रोपोर्शनल हमें दिख रहा है? नहीं. कोई दो कॉलम आइडेंटिकल या दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है? नहीं दिख रहे. प्रोपोर्शनल भी नहीं, आइडेंटिकल भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? तो हमें शायद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, मतलब ऑपरेशंस कुछ करने पड़ेंगे, मतलब प्रॉपर्टी 6 यूज करनी पड़ेगी, है ना? तो प्रॉपर्टी 6 भी कैसे यूज करें? सो मुझे क्या लगता है, सी दिस, यू नो, यूजिंग प्रॉपर्टी 6 इज बेस्ड ऑन योर नेचुरल इंस्टिंक्ट. आपको ये प्रैक्टिस करके समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाने आंसर. ओके, तो मुझे अभी देखो क्या दिख रहा है, ये कॉलम दिख, ये सब देखने के बाद अगर मैं रोज में ऑपरेशन करूंगा, ठीक है, रोज में ऑपरेशन करूंगा, तो रोज में डिफरेंस देखो, इन दोनों में डिफरेंस है 3 का, इन दोनों में डिफरेंस है 3 का, इन दोनों में डिफरेंस है 3 का. दिख रहा है आपको? हाँ, आपको भी दिख रहा है? इनमें डिफरेंस है 3, इनमें डिफरेंस है 3, इनमें डिफरेंस है 3. तो आप रो ऑपरेशन करोगे किसी एक में, तो आपको 3 डिफरेंस मिलेगा. रो 1 और रो 3 में डिफरेंस है क्या? 6. रो 1 रो 3 में डिफरेंस है 6. रो 1 रो 3 में यहाँ पे भी डिफरेंस है 6. ओके, तो ये चीज आपको दिखनी चाहिए कि रो ऑपरेशंस करने हैं तो उनमें डिफरेंसेस क्या है, है ना? हम लोग प्रोपोर्शन कैसे ला सकते हैं रो ऑपरेशंस या कॉलम. कॉलम में भी देखो, कॉलम में भी अगर ये दोनों कॉलम है तो इनमें डिफरेंस क्या है? 1. इनमें डिफरेंस क्या है? 1. 6 - 5 9 - 8 डिफरेंस है 1. 1 और 3 में डिफरेंस क्या है? 1 और 3 में डिफरेंस है 2 का, है ना? यहाँ पे भी 2 का है. 317 - 315, यहाँ पे भी 20 - 18, 2 का डिफरेंस. दिख रहा है आपको? तो आपको यूनिफॉर्मिटी दिख रही है? तो अभी हम लोग वही यूनिफॉर्मिटी यूज करके, ऑपरेशन करके, विल मेक देम प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक में कॉलम से सॉल्व करके दिया है. देखो, सॉल्व एग्जांपल है ये, पेज नंबर 66 पे. तो टेक्स्ट बुक में ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व किया, हम लोग क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करके देखेंगे आंसर आता है. ओके, सो दैट यू विल हैव टू डिफरेंट व्यूज ऑफ लुकिंग एट अ क्वेश्चन. ओके, तो पहले तो मैं करूंगा ट्रांसफॉर्म, कौन सा वाला? रो 2. ओके, रो 2 माइनस कितना? रो 1. क्यों? मैंने अभी बताया आपको, अगर मैं रो 2 माइनस रो 1 करूंगा, ओके, रो 2 पे ऑपरेशन करूंगा कि रो 2 माइनस रो 1. अभी एक चीज, अभी ऑपरेशन करते हो ना, तो यहाँ पे जो है ना वही चीज यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब आपको रो 2 चेंज करना है ना, रो 2 पे ऑपरेशन करना है, तो रो 2 माइनस कुछ तो या रो 2 प्लस कुछ तो होना चाहिए. ओके, कीप दिस इन माइंड. ओके, दिस इज द नॉर्मल फॉर्मेट. यहाँ पे आप रो 1 लिख के रो 2 माइनस रो 1 नहीं कर सकते. ओके, दिस इज एब्सर्ड. ओके, ये चीज बस ध्यान में रखो. ओके, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? प्रॉपर्टी 6 के हिसाब से -1 है कांस्टेंट. ओके, तो इससे डिटरमिनेंट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा. ओके, तो रो 2 पे हमने ऑपरेशन यूज किया. क्या ऑपरेशन यूज किया? देखो कि रो 2 माइनस रो 1, तो अपना क्या बनेगा? 300. अभी मैंने रो 1 पे क्यों नहीं किया? ऐसे भी तो कर सकता था, रो 1 माइनस रो 2, वो भी कर सकता था, लेकिन अभी
एक बार देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ। 313, 314, एंड वी हैव, इस पे देखो क्या होगा। ये जो 315 है, माइनस क्या होगा, रो 2 माइनस रो 1 है, माइनस 312 होगा। यहाँ पे 316 माइनस क्या होगा, 313। यहाँ पे 317 माइनस 314 होगा। ओके, बाकी का सेम रहेगा। 318, 319, 320। जिन लोगों को अच्छे से समझ गया, एक्चुअली ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप डिफरेंस लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, लेकिन जिन लोग अभी भी दे आर कोपिंग अप विद द कंसेप्ट, उनके लिए मैं लिख रहा हूँ अभी पूरा जो भी है, डिटेल स्टेप्स लिख रहा हूँ। तो अभी हाँ, तो अभी अगर मैं ये करता तो ये वाले ट्रांसफॉर्म होते है ना, ये वाला रो ट्रांसफॉर्म होता है, ये वाला रो क्या बन जाता है, इस पे ऑपरेशन होता। सो दिस वुड हैव बिकम 312 माइनस 315, दिस वुड हैव बिकम 313 माइनस 316, दिस वुड हैव बिकम 314 माइनस 317। तो कुछ नहीं, बाकी के एलिमेंट सेम रहते है ना, ये बाकी के एलिमेंट सेम रहते, बस यहाँ पे नेगेटिव डिफरेंस, नेगेटिव अपने को आंसर मिल जाता, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3। उससे अच्छा टू अवॉइड दैट मैंने यहाँ पे 333 लिया। ओके, सो इट डजंट मैटर, इतना डिफरेंस नहीं, आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे आंसर अपने को वही मिलेगा, लेकिन हमको ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं जिससे अपने को मिनिमम स्टेप्स में आंसर मिले। ओके, तो ये थोड़ा सा अभी यू नो ग्रास्प करने के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन आप जितने ज्यादा इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, माइंड इट, ये जो 6 प्रॉपर्टी है ना, इसको आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, उससे आपको गट फीलिंग से ही समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा करना है। ओके, आपको जैसे मैंने अभी देख के मुझे डिफरेंस दिख रहा था कि ये ट्रांसफॉर्म करूंगा तो ये मिलेगा, ये ट्रांसफॉर्म करूंगा तो ये मिलेगा, ये तभी आएगा जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको डायरेक्टली आंसर आपके क्वेश्चन में ही दिखेगा फिर। ओके, आई एम नॉट जोकिंग, आपको क्वेश्चन देखते ही आपको उनमें आंसर दिखेगा, अगर आपने प्रैक्टिस बहुत की है इस क्वेश्चन पे तो। ओके, सो ट्राई टू डू दैट। आप व्हाट आई विल से कि आप चाहिए तो आंसर आपके साथ रखो। ओके, यू कैन कीप द आंसर, जैसे अभी इसका आंसर अपने को 0 पता है, और मुझे कॉलम से, मैंने सपोज एक बार इसको सॉल्व किया, ठीक है, कॉलम से मेरे को आंसर मिल गया। नाउ आई विल ट्राई डिफरेंट वेज। ओके, मैं रो से भी ट्राई करूंगा, मैं अलग अलग रो से ट्राई करूंगा, अलग अलग कॉलम से ट्राई करूंगा। ओके, इससे क्या होगा, आप ऐसा करोगे ना कोशिश, तो व्हाट विल हैपन इज यू विल गेट टू नो हाउ टू गेट द आंसर इन मिनिमम स्टेप्स, कौन से अप्रोच से जाएंगे तो अपने को आंसर मिनिमम स्टेप्स से मिलेगा। दिस इज फॉर प्रैक्टिस, एग्जाम में ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन मत करो। अभी घर पे हो, अभी आपका पीस टाइम है, तो ये सब एक्सपेरिमेंटेशन करो, आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा कि हाउ टू गेट द मिनिमम स्टेप्स टूवर्ड्स द आंसर। ओके, तो देखो इसके हम आगे चलते हैं। व्हाट वी गेट आफ्टर दिस इज 312, 313, 314। ये क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व करो, तभी आपको मैक्सिमम समझेगा। ओके, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देख रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा, दिस वोंट वर्क। ओके, व्हाट वी हैव इज हियर 333। ओके, और ये वाला वैसे 318, 319, 320। ओके, तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि इन दोनों रोज में मुझे डिफरेंस दिख रहा था 6। ओके, देखो कहीं पे भी, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 है ना, तो ये वाला भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन कर देते हैं। ओके, तो अभी क्या ऑपरेशन करेंगे हम लोग, रो 3 पे ऑपरेशन करेंगे, दैट रो 3 माइनस रो 1। जनरली ऐसे ही होता है, आप ट्रांसफॉर्म्ड अभी जो इस पे ऑपरेशन हो चुका है, तो ये बाकी के ऑपरेशन में यूज जनरली नहीं किया जाता, क्योंकि बाकी के जो ओरिजिनल बचे हैं उनमें आप पहले ऑपरेशंस लगा दो, फिर बाद में देखेंगे, ये प्रोपोर्शनल आ जाता है बेसिकली। ओके, तो आपके ओरिजिनल, इससे ही आपको पता चलता है कि ऑपरेशंस किन किन पे हो सकते हैं। ओके, तो देखो
312, 313 किस पे ऑपरेशन होना रहे, R3 पे, तो बाकी के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। 314 ये क्या है, 333, इस पे क्या होगा ऑपरेशन, 318 माइनस 312, इस पे 319 माइनस 313, और इस पे 320 माइनस 314, सही है। तो अभी यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, 312, 313, 314, 333, ओके, और यहाँ पे क्या, 666, अच्छे से सॉल्व हो गया ये तो। हाँ मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है प्रोपोर्शन, है ना, क्या प्रोपोर्शन दिख रहा है मुझे कि R3 इज इक्वल टू हाउ मच, 2 times R2, है ना, ये प्रोपोर्शन दिख रहा है मुझे। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, व्हाट कैन आई से, दैट डिटर्मिनेंट इज जीरो, इसका क्या है वैल्यू, जीरो। और जैसे मैंने कहा था कि ये जो ऑपरेशंस करते हैं हम लोग, इससे डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट और जहां से हमने शुरू किया था उसका डिटर्मिनेंट क्या है, दैट इज सेम। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ, राइट, दोनों डिटर्मिनेंट क्या है, सेम है बाय प्रॉपर्टी 6। सो आई कैन रीड द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, दैट इज क्या था, 3 1, किससे शुरू था, 312 से, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, this determinant is equal to 0, is equal to RHS, right? तो इसके आगे मैं लिख सकता हूँ, hence proved. राइट तो देखो यहाँ पे हमने, अभी मैं आपको पहले क्वेश्चन से दिखाता हूँ, वी आर गोइंग वेरी स्लोली, इसमें हमने सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी यूज किया था, मतलब प्रॉपर्टी 4 एक बार यूज किया, ओके। दूसरे क्वेश्चन में हमने एक बार प्रॉपर्टी 6 यूज किया, एक ऑपरेशन किया और प्रॉपर्टी 4 यूज किया। तीसरे क्वेश्चन में हम लोग ने 2 बार प्रॉपर्टी 6 यूज की, 2 ऑपरेशन किए, 1 2, और फिर हमने प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टी यूज करके आंसर फाइंड आउट। थिंग्स कैन गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड, आपको कभी कभी 3 बार भी यूज करना पड़ सकता है ऑपरेशंस, ओके, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। सो यू हैव टू, आपको क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन वील मूव टू क्रेमर्स रूल, ओके। आपको होमवर्क के लिए भी मैं क्वेश्चन देता हूँ उसमें, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये क्वेश्चन है, देखो, इफ एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड x minus yz, if this is equal to k times xyz, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू, then find the value of k, okay, so that is what you have to do. तो ये LHS है, ये RHS है, और आपको K की वैल्यू ढूंढनी है। तो क्या करोगे, LHS से स्टार्ट करते हैं, चलो, x माइनस x x
y y माइनस y और z z z। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे आएगा? देखो इसमें मुझे क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। व्हाट वी विल डू इज, देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो आर टू पे पहले ऑपरेशन करते हैं कि आर टू प्लस आर वन, तो इससे अपने को क्या मिलेगा? देखो एक्स वाई जेड, यहाँ पे है माइनस एक्स ऊपर वाला टू वन का प्लस एक्स, यहाँ पे वाई प्लस ऊपर वाला वाई, यहाँ पे जेड प्लस ऊपर वाला जेड, बाकी का सेम रहेगा। ओके क्यों ये किया? क्योंकि देखो पहले तो एक प्रोपोर्शनल है नहीं कोई, है ना? अब हम अपने को रिलेशन दिख रहा है उसमें, लेकिन प्रोपोर्शनल एग्जैक्टली कोई नहीं, कोई भी रो या कोई भी कॉलम नहीं है, आइडेंटिकल भी नहीं है। ओके क्योंकि एक माइनस साइन काम सब बिगाड़ देता है। ओके तो इस पे अपने को क्या मिलेगा आगे? एक्स वाई जेड, यहाँ पे जीरो बनेगा, टू वाई बनेगा, टू जेड बनेगा, एक्स माइनस वाई जेड। अभी क्या करेंगे ऑपरेशन? जैसे मैंने कहा यहाँ पे भी एक माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस वाई है, इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। सो आर थ्री प्लस आर वन, है ना, किसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? ये आर थ्री का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आर थ्री पे ऑपरेशन हुआ। तो क्या बनेगा अपना डिटर्मिनेंट? एक्स वाई जेड जीरो, टू वाई टू जेड, यहाँ पे एक्स है, एक्स प्लस क्या रहेगा यहाँ पे? ऊपर वाला आर वन का एक्स, यहाँ पे माइनस वाई प्लस वाई, सॉरी यहाँ पे जेड प्लस ऊपर वाला जेड, राइट? सो व्हाट विल दिस बिकम? एक्स वाई जेड एंड देन वी हैव जीरो, टू वाई टू जेड, और ये बनेगा टू एक्स, राइट? जीरो टू जेड, राइट? तो अभी इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज वन न्यू प्रॉपर्टी। इसका हमें डिटरमिनेंट पता है क्या है? इसका डिटरमिनेंट है के एक्स वाई जेड, ये अपने को गिवन है डिटरमिनेंट की वैल्यू। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी, कौन सी वाली? एक सेकेंड मेरे को ढूंढने दो। ये प्रॉपर्टी फोर, प्रॉपर्टी फोर में क्या है? देखो एक कॉन्स्टेंट मल्टीपल होता है एक किसी रो में, वो हम लोग कॉमन निकाल लिए और फाइनल डिटरमिनेंट में से भी एक कॉन्स्टेंट मल्टीपल बाहर निकाल दिए तो वो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके राइट? तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। इसमें से देखो लेफ्ट साइड में से हम लोग एक कॉन्स्टेंट मल्टीपल रो टू में से निकालेंगे। सो व्हाट वी हैव देन इज टू टाइम्स एक्स वाई जेड, जीरो में से टू निकालेंगे क्या बचेगा? जीरो ही बचेगा, यहाँ पे वाई यहाँ पे जेड, है ना, और बाकी का वैसे टू एक्स जीरो टू जेड। ओके ओके तो ये मिल गया अपने को। इसके आगे देखो हम लोग इसमें से भी टू कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है? तो पहले से टू था एक्स वाई जेड, फिर है जीरो वाई जेड, ऊपर से क्या ये टू भी कॉमन निकाल सकते हैं, सो मल्टीप्लाइड बाय टू, और एक टू कॉमन निकाल लिया हमने, एक्स जीरो जेड, है ना? तो हमने कॉमन निकाल लिया, मतलब क्या किया? ये डिटरमिनेंट वैसे ही रखा और जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट है, ओके, और उसमें से टू कॉमन ले लिया। ओके इट इज सेम थिंग, हम लोग जो प्रॉपर्टी फोर डिस्कस किए थे, ओके प्रॉपर्टी फोर में देखो अगर हम लोग ये डिटरमिनेंट का ये के बाहर निकाल लेते यहाँ पे, ओके सो टू डैव बिकम व्हाट? 21 के। ओके तो 21 ये किसका डिटरमिनेंट है? ये ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है जिसमें के नहीं है। ओके सो दिस इज लाइक के टाइम्स 21, ओके दिस इज वन इज 21, सो के टाइम्स 21 वही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। ओके
तो ये मैट्रिक्स आ गया। तो अभी इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे। ये मैट्रिक्स को, सो वी हैव 2 × 2 दैट इज 4, और अंदर मैट्रिक्स का क्या बनेगा देखो। आई थिंक वी शुड एक्सपांड कॉलम 1। ये वाला कॉलम एक्सपांड करते हैं क्योंकि इसमें एक जीरो है। और इसमें ये वाला चीज माइनस बनेगा। सो वी हैव एक्स इंटू, अभी मैं डायरेक्टली डिटरमिनेंट सॉल्व करता हूँ। सो एक्स विल बी वाई जेड माइनस जीरो। देन वी हैव माइनस जीरो, जीरो का कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही बनेगा, प्लस एक्स इंटू क्या, वाई जेड माइनस वाई जेड। राइट, तो फिर क्या मिलेगा देखो, 4 टाइम्स यहाँ पे एक्स वाई जेड बनेगा माइनस जीरो, प्लस ये क्या रहेगा, वाई जेड माइनस वाई जेड, इट बिकम्स व्हाट, जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एक्स, इट विल बी जीरो। तो लास्ट में क्या बचा, 4 टाइम्स एक्स वाई जेड। ठीक है, एंड दिस वाज व्हाट, दिस वाज इक्वल टू एक्स के टाइम्स एक्स वाई जेड, है ना, अपने को गिवन में दिया है रिटर्न की वैल्यू। सो कंपेयरिंग दीज टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के इज इक्वल टू 4। राइट, मिल गया। सो दिस इज द आंसर, के इज इक्वल टू 4। तो इसके आगे अभी देखो, आपको एक होमवर्क देता हूँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो आप खुद। आई हैव टू इवैल्यूएट विदाउट एक्सपैंडिंग। क्या मतलब हो इसका, आपको एक्सपांड नहीं करना है, प्रॉपर्टीज यूज करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने किया था पहले, 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी। तो इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर दूसरा है, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि प्रूव दैट वन 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 ए बी सी, बी सी सी ए, ए बी इज इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आपको प्रूव करना है। तो ये दो होमवर्क है, बस हो जाएंगे दो होमवर्क, और ट्राई टू सॉल्व इट। और एक चीज, आपका फॉर्मूला लिस्ट आपको देना था। ठीक है, तो इसका एक कॉपी बनाता हूँ मैं। पहले तो वो कहाँ गया, वो फॉर्मूलेस लिखने। तो इसका मैं एक पीडीएफ फाइल बनाता हूँ। लेट मी चेक इफ डायरेक्टली सेव होता है क्या इस पीडीएफ।
cannot be saved as PDF. Okay, let's snip it out. आई डोंट नो हम हाउ मैन टू सारे एक साथ कैसे करे फोटोज. ओके लेट मी चेक आउट अगेन. What I'm doing is कि सारे फॉर्मूला सेपरेटली मैं स्निप कर रहा हूँ. I'll send it to you. Okay? I'm saying it has F के सीरीज में मतलब F1, F2, F3, F4. That means फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2 ऐसे. Okay? ओके व्हाट इज आई थिंक ट्रायंगल फॉर्मूला बचते है ना. सो कहाँ थे ट्रायंगल फॉर्मूलास. थिंक हमने डाउट सॉल्विंग में देखे थे वो. This one. और फिर 3 और 4 राइट. तो ये भी करते हैं.
और क्या था, साइन रूल और कोसाइन रूल, ठीक है। तो साइन रूल और कोसाइन रूल, एक सेकेंड लेट मी जस्ट क्लियर अप दिस स्टफ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं साइन रूल, तो दोनों एक ही इसमें आ जाएंगे। ओके Oops. This is F. Then, तो 10 pictures है। I'll send it to you. And मैं काम करता हूँ, yesterday I talked with some guy. मैं आपके ग्रुप पे पोस्ट नहीं करूंगा ये, क्योंकि ग्रुप पे इट गेट्स लॉस्ट, यू नो। सो आई पोस्ट टू वन ऑफ योर बॉयज। किससे बात की थी मैंने, जस्ट लेट मी चेक। दिस वॉज, दिस वॉज प्रथमेश। ओके, सो आई विल सेंड इट टू प्रथमेश एंड यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम प्रथमेश। क्योंकि मैं ग्रुप पे अगर ये डाल दूंगा, आई डोंट वॉन्ट टू पुट इट ऑन ग्रुप, द लिंक विल गेट लॉस्ट, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं ग्रुप पे, सो आई डोंट वॉन्ट इट नॉट टू गेट लॉस्ट। अपना पेज कौन सा था, ये वाला था क्या? नहीं, ओ गॉड, ओके लेट मी चेक इन ऑल। ये वाला था, ओके। सो आई थिंक आई हैव गिवन यू दी होमवर्क, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब लोग होमवर्क करेंगे। होमवर्क करोगे तो आगे का, अभी हम लोग क्रेमर्स रूल नहीं शुरू करते। ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। आई विल सेंड दी पिक्चर्स टू दिस गाय प्रथमेश, कलेक्टेड फ्रॉम हिम, एंड एज फार एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू यू नो मेक वन पी डी एफ ऑफ दिस पिक्चर्स, जो मुझसे हो नहीं रहा है अभी। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ ये वन नोट से सारा स्क्रिप्ट कांट बी कन्वर्टेड इनटू पीडीएफ। बट व्हाट यू कैन डू इज, और आई विल टॉक इट विद प्रथमेश, हम लोग कोई सॉफ्टवेयर से सारे पिक्चर्स को, जेपीजेस को, एक पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो दैट कैन बी डन। सो आज हमने क्या किया एक बार देख लेते हैं। हमने आज कुछ नहीं, बस क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रॉपर्टीज रिवाइज किए और प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए। एक ये वाला क्वेश्चन है, राइट। सेकंड इज थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसमें हमने दो प्रॉपर्टीज यूज किए ना। थर्ड क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सिक्स दो बार यूज की, और फोर्थ क्वेश्चन में हमने कुछ दिमाग लगा के LHS RHS प्रूव किया। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। देन आई हैव गिवन यू दिस होमवर्क, ठीक है, ये छाप लो, होमवर्क करना। अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, ये प्रॉपर्टी सिक्स का यूज करने नहीं आएगा एग्जाम। ओके, सॉल्व एज मच एज क्वेश्चन एज यू कैन रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी सिक्स, दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, एंड मीन वाइल आई विल ट्राई टू मेक द पीडीएफ ऑफ द पिक्चर्स एंड सेंड इट टू यू। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। इफ एनीथिंग एल्स यू हैव, अगर आपको प्रॉपर्टी सिक्स यूज करना अभी तक यू नो डिफिकल्ट जा रहे हैं, यू कैन जस्ट पोस्ट अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। और कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उतने अच्छे से आप लोग प्रॉपर्टी सिक्स समझ पाओगे। और जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, विल यूज दिस प्रॉपर्टी सिक्स मोर ऑफन। ओके, बहुत ज्यादा बार यूज हो।
So that's it for today. Take care. Have a nice day. I'll send you the PDF. Okay. I'll send it to Prathamesh. Collect it from him. Prathamesh, you can make sure that you can send the PDF to everyone. Okay. Thank you very much.